मैं तुम्हें चौक में उल्टा लटकाऊंगा। कमाल बना गए, मेक शिफ्ट है बेसिकली। फिर किधर जा रहे हैं हम? हम जा रहे हैं जी टग ऑफ वॉर करने। टग ऑफ वॉर खतरनाक नहीं है यार? अगर आप कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में करें और सही तरीके से करें तो फिर तो कोई खतरनाक नहीं है। अगर आप सड़कों पे कर रहे हैं और वैसे करें तो ऑब्वियसली खतरनाक है। तो है किसके मतलब दरमियान क्या है, सिटी वर्सेस यारिस तो नहीं कर रहे? नहीं, इस दफा है यार फॉर्च्यूनर वर्सेस टोयोटा प्राडो। और इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि दोनों के अंदर सेम इंजन है, 2TR इंजन होता है, साइज उसी पेट्रोल। प्राडो में भी वही है और फॉर्च्यूनर में भी वही है। तो कौन जीतेगा यार? मेरा अपना अगर मेरे से ख्याल पूछे तो मुझे लगता है कि किसी तरह शायद प्राडो जीत जाए। हॉर्स पावर की गेम होगी, किसकी हॉर्स पावर ज़्यादा देख लेते हैं, बट नेक टू नेक टाइप ही होगा यार। इतना कोई बहुत बड़ा वो नहीं होगा फ़र्क के बंदा कहे कि जी बहुत फ़र्क है। वो नहीं खड़े? हाँ वो खड़े, वो खड़े, वो खड़े। यहाँ से आके तो बंद किया मैंने। आप तो वे आगे से ये है वो कच्चे से आना पड़ेगा। वो कच्चे से आना बड़ा सा लोगों ने खुद ही बनाया हुआ है। गूगल ने भी यही रास्ता बताया हुआ। अच्छा गूगल पे आई थिंक खुद ही इंटेलिजेंटली वो देख लेता है कि बाकी देखता है ना कि यहाँ से लोग कहाँ से गुजरे पहले, जिस राह पर बाकी लोग गुजरे। ऐसा ही है। व्हाट अ ब्यूटीफुल कार, माशाल्लाह। ये अभी नहीं खड़ी है। अच्छा तो हम बात करते हैं टग ऑफ वॉर की। टग ऑफ वॉर वैसे शुगल में हम देख रहे हैं कि कौन सी गाड़ी बेहतर करती है। वैसे तो तमिले एट पार ही हैं दोनों, वो नजर आ रही है मेरे सामने गाड़ियां खड़ी। वेट का तो वीडियोस में मैं डेड एंड देख चुका हूं, वो पीके एलआई भी आ गया सामने। अच्छा इसमें टग ऑफ वॉर में वेट जिसका ज्यादा होगा वो जीतेगी, जिसका कम होगा वो जीतेगी? मेरे ख्याल से ज्यादा वाला जीतेगा ना, उसको स्टेबल हो जाएगी, जिसका कम होगा उसको खींचना आसान होगा। तो जिसका वेट ज्यादा है मेरे ख्याल से वो जीत जाएगी। इनसाइड भी खड़ी हुई है और सागा भी खड़ी हुई है, इनसाइड आउटसाइड सब। और इसकी स्टोरी है आई थिंक वो इससे पहले ही रिवील हो जाएगी। ये इनसाइड जो है इसके पीछे तो बहुत बड़ी स्टोरी है। और ये हमने जब इस तरह ली थी और जिस तरह ये हासिल की थी, ये कमाल ये भी एक गेम थी। अच्छा जी, अच्छा फेसलिफ्ट होके बेहतर लग रही है फॉर्च्यूनर में मिशन सब चीज। वो ये तो लेजेंडर लग रही है। हां वो लेजेंडरी बन गई। रेडी है सारा सीन? हां सीन तो मुझे वो मेरे एक कलीग पी रही थी, मुझे लगा पेट्रोल पी रही है। नारा जो है ना दफ्तर में शलवार कमीज पहन के और साहब माइंड करते हैं, कहते हैं यार फॉर्मल ड्रेस होना चाहिए। तो फिर इसके बाद तो जिमखाने नहीं रोकता था, तो ये फॉर्मल का इलाज है। प्लस वीकली जो है वो शूट होता था ना थर्सडे को, तो मेरे अजीज हम बतलू। बड़ी बेहतरीन गाड़ी मिल गई सर, ये तो प्यारी बहुत है। अब उसे ब्लैक आउट है, अंदर से ब्लैक आउट है। अच्छा है, चाबी है, है ब्लैक आउट है और एल्गिन डाला उसके सारे डैशबोर्ड पर। ये सही होगी आपको, अब इसकी रीसेल भी अच्छी मिलेगी। अच्छा अच्छा मैं तो नहीं बेच रहा, सोच लिया। बहुत मजेदार गाड़ी है। नहीं बेहतरीन है, वही मैं कह रहा हूँ। गाड़ी तो वैसे मैं यही कह रहा था सुनील साहब को ले आएंगे तो फ्रंट पे पार्किंग सेंसर भी है, उसमें नहीं थे जब। नहीं ये इसमें ऑप्शंस मिल जाती हैं आपको, वहाँ ना जापान में ऑप्शंस मिल जाती हैं। तो ये टायर ओरिजिनल है। अच्छा सर ये अच्छा इसके अंदर पी जीरो है। हाँ मेरी भी 19 से 20 ही है, लेकिन अगर मैं कभी खेल, क्योंकि मैंने कुदरती तौर पर अभी दोस्तों यारों ने चलाई, हर बंदे ने खेल चेक किए, तो मेरे पास एवरेज कम आई थी। बिलाल ने जो हम लोग गुलबर्ग गए हैं उस दिन निकाली है, मतलब रीसेट करके। अच्छा यहाँ से गुलबर्ग 25 आई है। गुलबर्ग एंड बैक कोई ऑलमोस्ट 30 शाम के टाइम रात में। रात के टाइम बहुत अच्छी एवरेज आती है। रात को आप 11 बजे के बाद सड़क पे निकले, मैंने गुलबर्ग जीएलए से 15-16 की एवरेज था। दिन के टाइम ऑब्वियसली सिग्नल पे रुकते हैं, बट 20 है इस गाड़ी की एवरेज। आपको कौन सी गाड़ी जीतेगी यार? वो ना मैंने वीडियो में जिस बात हो गई पहले ना, जब इसका रिव्यू हो रहा था ना फॉर्च्यूनर का, मैंने सुनील भाई को कह दिया, मैंने कहा यार ये 2x4 4x4 मुझे फर्क ही नहीं पड़ता, अब मुझे डर लग रहा है। नहीं वहाँ 4x4 पे तो आई थिंक वो जीत सकती है। आपको क्या लगता है, जिसका वेट ज्यादा है वो जीतेगी या जिसका वेट कम है वो जीतेगी? मेरे ख्याल से जिसका वेट ज्यादा वही जीतेगी। आज पता लग जाएगा, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। फॉर्च्यूनर जो आजकल 2 करोड़ के पास पास जाने वाली हो गई है इस वक्त, पता है आपको लेजेंडर कितने की मिल रही है? 170+। आप कहेंगे मैं फिर टग ऑफ वॉर करने आ गया हूँ, बहुत जरूरी है, जरूरी काम है जिसे मैं आया हूँ। आई ड्रेसिंग तो वैसी लग रही है। मैं चौक में उल्टा लटकाऊंगा तुम्हें। नहीं भाई आप कनेक्शन पे कब खड़े हो रहे हैं? मैं कहता हूँ आज मैं जिस मोड में हूँ मैं तुम्हें चौक में उल्टा लटकाऊंगा। यार ये अगर ये आप समझ रहे हो मैं दोबारा टग ऑफ वॉर के लिए आ गया हूँ, मजबूरी से आया हूँ। आज दोनों को रिप्रेजेंट करते हैं।
मतलब दोनों आपकी फेवरेट गाड़ियां हैं, टोयोटा टोयोटा। इन दोनों में कौन जीतेगा यार? मेरा जो गेस है ना, और मुझे लगता है वो जीतेगा। मुझे भी वही लगता है। चले एमी, इस पे पैसे भी कुछ वो लगाने चाहिए, गरीब पे भी पैसे लगा दे। नहीं, मैं ये चलाता हूँ। अच्छा, ले ये अब इंटरेस्टिंग हो गया। ये जी, ये मैं रुकी ड्राइवर हूँ, लेकिन मेरे पास गाड़ी अच्छी आ गई है। आपने डकी की तरह बस रेस दबा दी, नहीं देखना नहीं है पहिया पड़ रही है। बस ध्यान से आगे जाके वो देखें, बड़ा गहरा है उधर, देखें और जाड़ी जाड़ी नीचे आ जाएगी। ओ यार, उसको तो जरा साइड पे कर दे। पहली बारी तो हमारी फिर वही होगा, इन्होंने चौक में लटकना दोनों ने। ओहो, बहराम भाई की मेहनत, पाकिस्तानियों ये तो टूटेगी नहीं है, ये टूट जाएगी। हेड पे वो ऑरेंज वाली काम आनी है, फिर पहले वही ना लगा दें। नहीं, हमने पहली बारी, मेरे ख्याल है हमने जाया करना है, मेरे लगता है वीडियो लंबी बनानी है फिर, इसलिए लंबी करनी चाहिए उसका यार। उसका पता नहीं, मुझे पिथ निकल आनी है, इतनी गर्मी मुझे लग रहा है। इतना अच्छा मौसम है, अजीज मित्रों के चक्कर में देखिए, इतना ग्रीनरी ऐसे लग रहा है। जो हालात चल रहे हैं, किस टाइम में मुझे बुलाया जा सकता है, इसलिए मैंने कहा ठीक है, दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे खेत है पीछे। जो हालात चल रहे हैं, किसी टाइम सुनील भाई को बुलाना। देखिए, हमें समझ नहीं आ रही कि हमने खराब कर दिया। आप आगे दलील हो जाए, आप उधर से आप आगे दलील हो जाए भाई। किट ना निकला है, किट पे आएगा जोर आएगा, निकले ना बस, बाकी क्या जोर आएगा। किट पे लगा है? नहीं नहीं है तो प्रॉपर। आओ जी, ये हुक तो नहीं रिलीज होगा, हुक रिलीज ना हुआ तो किट नहीं टूटेगी, ये बीच में से टूटेगी। हाँ, टूट जानी है रस्सी। चले देखते हैं, हमने वैसे ये स्ट्रेंथ तो प्रॉपर, ये कस्टम मेड रस्सी है, सिलाई कराई है, हर चीज की है, जूट जेन्युइन किस्म की, नेचुरल है। पहले हमने सिंथेटिक की थी, वो टूट गई थी। यार एक चीज मैंने नोटिस की है, यहाँ पर फरहान भाई का और सुनील भाई का ओपिनियन हमेशा ऑपोजिट होता है। लाइक कोई चीज नहीं है जिस पे ये दोनों एग्री कर जाएं। अब फरहान भाई ये कस्टम मेड रस्सियां नहीं टूटी, हम इसके अलावा बहुत लड़ते हैं। सुनील भाई का ओपिनियन है कि भाई एग्री टू डिसएग्री। मेरा ओपिनियन ये है कि यार ये पराडो जीतेगी, जीत जाएंगे फिर। मेरा पता कोई नहीं, मेरी किस्मत खराब है। इसमें कर लेना इसको L4। ये हमने सुनील भाई को बताना नहीं है ना कि हमने L4। अच्छा, ये तो है ही ऑलवेज 4x4 है ना, ये वैसे भी 4x4 है। अच्छा, है ही नहीं वो, L4 पे करेंगे, लो 4 ले भाई। सर आपके पैसे किस पे हैं? मुझे लगता है दोनों बिल्कुल सेम होंगे, इंजन सेम है, उसका शायद वेट थोड़ा सा ज्यादा है और 4x4 भी है ना, L4 पे कर दिया हमने, लो 4 पे बस, फिर वो मेरे ख्याल से ज्यादा ले जाएगी खींच के। और आपको क्या लगता है, रस्सी टूटेगी कोई जीतेगा? मुझे पहले तो रस्सी टूटती नजर आ रही है, दूसरे राउंड में देखेंगे। देखते हैं, मैंने एक चीट कोड भी लगाया। क्या? पावर मोड ऑन कर लिया, ट्रैक्शन ऑफ कर दिया, बिलाल को नहीं बताना उसकी ट्रैक्शन ऑफ करनी है। ठीक है सर, डन। देखते हैं क्या होता है, डन। बाद में वीडियो में देख के गाली देगा मुझे, मजाक कर रहा हूं, देखते भी क्या बनता है। अभी तो मैंने एसी चलाया हुआ है, एंजॉय कर रहे हैं गर्मी। तो जी, दोनों ने अपनी तरफ से चीट कोड लगाए हुए हैं। सुनील साहब ने जो है वो पावर मोड लगाया हुआ है, बिलाल ने जो है L4 पे की हुई है गाड़ी, दोनों को नहीं पता, पता लगता है, देखते हैं कि क्या बनता है। ओहो, ओहो, आप जूम बनाओ, जूम। ओहो, 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 दोनों ड्राइवर्स रेडी, 3, 2, 1 गो। ओले, ये तो छोटा सा मजाक हुआ है। क्या हुआ? हुआ क्या? ये तो ये देखे ना, हम वीडियो की लेंथ थोड़ी लंबी करने के लिए टूट गई, टूट गई। कहा था मैंने, मैंने बोला था बैकअप है, टेंशन नहीं लेनी। हुआ क्या? वो टूट गई रस्सी। टूट गई कि निकल आई? वहां से निकल आई, हुक से। एंड पे काम किया है, राजा साहब भी काम आया। हाँ, कितने पाउंड वाली थी? पता नहीं, 5,000 pounds। ये एक मिनट क्या लगा? पीछे ना कीजिएगा, उसको पार्किंग में डाल ली। ले गया दोनों ने, मजाक में डाले थे। अच्छा, आप बोल रहे थे मैं ले गया, मैंने कहा सुनील भाई किधर रह गए? मैंने कहा मैं जरा पोज दूंगा नीचे उतर के, ये चीज मैंने तो वैसे ही कहा था कि पर पीछे ले गया। वो सुनील भाई तो है नहीं, इसलिए आप कह रहे गर्मी है, बहुत गर्मी ठीक है बस, लेकिन अजीज हम बतनों को छोड़ देते मेरे ख्याल। थोड़ी तैयारी हो रही है अब, ठीक है। वेट रिडक्शन, सुनील भाई ने वेट रिडक्शन कर लिया सर। मैं रेडी हूँ, मैं बड़ा खुश था, मैं तो विक्ट्री मनाने के लिए बाहर आने लगा था एकदम, मैं तो लिबर्टी चौक पे आज ऐलान कर लगा था कि आज जश्न होगा। सर आप क्या कर रहे हैं, सर जो चीटिंग कर रहे हैं आप? नहीं, मैं तो टाइट करने की कोशिश कर रहा हूं, वो पता नहीं बहराम कुछ और कर रहा है, डबल करना है इसको, वापस आना पड़ेगा, अब ये डबल हो गई। 3, 2, 1 गो। वो खैर रस्सी कामयाब होगी। ओके ओके, ठीक है बट नहीं, जाने दो जाने दो।
हमने रेस मैं तो कुछ ले गया वो 3-2-1 गो क्या बात है यार ये तो इंटरेस्टिंग हो यार क्या कह रहे थे सुनील भाई क्या कह रहे थे किधर गए सर किधर गए आप सर क्या गया आपका एक्सपीरियंस काम सर ये तो बराबर हो गया बराबर हो गया नहीं लेकिन ये तो बहुत ज्यादा एकदम ही गई है मैंने कहा पता नहीं क्या हुआ है सर वो देखिए चीट कोड आपने जाके बता दो दिया सर यही देखें लगता है आपने कोई पावरपूर वाला बटन ऑन कराया उधर चलो पाली थर्ड राउंड दोबारा लाइन कराते हैं फाइनल राउंड 3-2-1 गो ओ आने जाने करे 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 देखते हैं देखते हैं ये चीज जागे यार आप छागे 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 क्या बात है यार अब आजा मुझे खुश करने के लिए फॉर्च्यूनर निकल आया दोनों भाई तो धो के रख दिया उसने हैंड ब्रेक भी खींचे के ना जाए वो जा ही जा रहा है नहीं वो बड़ा क्लियर था मैंने उसको पहली बार ही लगता है सोए में डाला हुआ था अच्छा नहीं पहली बार पता नहीं क्या हुआ नहीं पहली में तो ये बड़ा क्लियर आया मैंने कहा इतनी भी क्लियर नहीं था लेकिन अगली दो कोई चांस फाइनल इंटरेस्टिंग करने के लिए ड्राइवर स्वैप करें गाड़ी कोई चांस नहीं रहा कैसा फील कर रहे हैं आप अच्छा ही फील कर रहा है धोने के बाद और अब क्या है आपने कार गुरु को धो दिया भाई बाप बताओ क्या मैंने अगली गाड़ी अभी लेनी है नहीं नहीं गाड़ी करनी है मैंने ही कुछ नहीं किया सुनील भाई को क्लियर वो था वैसे आपस की बात है बहुत उसमें जो हमने पहले मुझे तो पता भी नहीं बोनस राउंड कर लेते ना कर ले से फर्क नहीं पड़ेगा कर ले बोनस राउंड अगर बोनस राउंड ये जीत गया फिर मैं छोड़ दूंगा गाड़ी फिर तो बनता है फिर हम एयर नहीं करेंगे अगर बोनस राउंड ये जीत गया चले जी फाइनल बोनस राउंड के साथ हम देखते हैं अब क्लियर विनर क्लियर ड्राइवर तो विनर आ गया है बट क्लियर 3-2-1 गो सुनील तो हमने गुस्सा निकाला है यार तर ये तो हमने गुस्सा निकाला है गुस्सा निकाला है हमने क्यों निकाला सर हमने ऐसे आप तो ये चीटिंग करते बड़े भाइयों को साथ में लाया हुआ था आपने वो मजा नहीं आएगा मैनुअल और ऑटो का नहीं है ऑटो लेके आए नई सिटी लेके आए ये तो मैं वैसे ही हरा दूंगा ये तो वैसे ही हार जाएगी सर करके देख ले अभी एक बोनस राउंड मजा नहीं आएगा सर कैमरा गर्म हो गया चले जी गुड बेहतरीन हो गया अब अगली वीडियो में फिर मिलते हैं तो जी इस तरह की फन वीडियो देखनी है तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और एंजॉय करें और हम कौन सी टग ऑफ वॉर करें वो भी हमें कमेंट सेक्शन में बताएं अल्लाह हाफिज़